धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्ति काल परखिए जाए। बोला आपत्ति के समय में चार चीजें, चार व्यक्तियों का पता चलता है कि ये अपना है या पराया। बोला कौन कौन? बोला धीरज, धैर्य। व्यक्ति क्या करता है, मानव का स्वभाव है जब तक उस पर कष्ट नहीं तब तक तो सबको ज्ञान देता कि मैं धैर्यवान हूं, मेरे अंदर बहुत धीरज है, मैं कभी क्रोध नहीं करता। अरे धैर्य का परिचय तो तब होता है जब आपत्ति का समय हो। बोला धर्म, तो धर्म का भी तभी पता चलता है जब विपत्ति का समय हो। वैसे तो हम बहुत कहते हैं हम सनातन धर्म को मान्य, हम धर्म के लिए कुछ भी कर देंगे, प्राण भी दे देंगे। अरे जब समय आए तब दिखाओ, तब पता चलेगा कि आप कितने धर्मनिष्ठ हैं, कितना अपने धर्म का पालन करते हैं, कितने धर्मज्ञ हैं आप। उसके बाद बोला मित्र, मित्र भी तब पता चलता है। वैसे तो सुख में तो सारे ही मित्र बन के घूमते हैं, सुख है, धन है, आपके हजार मित्र हैं साथ में, आपके 24 घंटे साथ में रहेंगे। बोले मित्रता का कब परिचय होता है, कब पता चलता है मित्र? बोला जिस समय दुख हो हमारे पास, कष्ट में हो हमारा जीवन, तब पता चलता है कि मित्र कौन है। मित्र की परिभाषा बहुत अच्छी बताई गई कि सच्चा मित्र कौन होता है। सच्चा मित्र वो होता है जो अपने दुख को छोड़ करके मित्र के दुख को देखे, अपने दुख को क्या समझे, बोला राई के समान, चाहे भले ही पहाड़ जितना दुख हो अपना, लेकिन अपने दुख को राई के समान, और मित्र का दुख राई के समान भी हो तो भी उसे पहाड़ समझ करके उस दुख की निवृत्ति करनी चाहिए। सच्चा मित्र वही है। धन से तो बहुत मित्र बन जाते हैं, लेकिन मन से मित्र बनना बड़ा कठिन। और चौथा कौन है, बोला नारी। नारी का भी तभी पता चलता है। बोला स्त्री का कब पता चलता है, बोला जिस समय विपत्ति का काल हो। वाल्मीकि जी महाराज जब जिस समय लूटपाट करते थे, इन्होंने पकड़ लिया सप्तऋषियों को। सप्तऋषियों ने कहा तुम ये जो पाप कर्म करते हो, क्या इसके भागीदार तुम्हारे परिवार वाले हैं, तुम्हारी पत्नी है? वाल्मीकि जी कहने लगे क्यों नहीं होंगे, उनके लिए तो मैं करता हूं। बोला जाओ एक बार पता करके आओ, और जब पूछा जाके तो पत्नी से सीधा कह दिया तुम्हारा कर्तव्य है, हम तुम्हारे पाप में भागी नहीं है। तो पत्नी का भी चरित्र तब समझ में आता है जब हम कष्ट में हो, विपत्ति हो। जैसे सीता जी, सीता जी समस्त सुख छोड़ करके अपने पति के साथ में चल दी। पतिव्रता स्त्री का जो लक्षण है वो यही है कि अपने पति के लिए सदैव तत्पर रहे। और इन चारों का पता भी तभी चलता है कब, बोला जब विपत्ति का समय है। आपत्ति काल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र और नारी। आज